30 नवंबर 2020। भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यान माला का 6वां व्याख्यान। इस व्याख्यान में मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को और उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहते हैं, उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सप्रेम जय भीम भी। व्याख्यान का विषय है आम्बेडकर बनाम गांधी अर्थात भारत में लोकतंत्र की स्थापना का संघर्ष 1942-1946 या माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा में प्रवेश के पूर्व की स्थिति। विषय को आरंभ करने से पहले विषय के संबंध में आप सारे ही दर्शकों से संवाद स्थापित करने से पहले मैं याद करना चाहता हूँ 26 नवंबर 1949 का दिन। क्या हुआ था इस दिन 26 नवंबर 1949 को, क्यों याद करना चाहिए 26 नवंबर 1949? वैसे माना जाए तो संविधान सभा के सत्र का अंतिम दिन। इस सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के नाते अपना अंतिम भाषण करते हैं। अध्यक्ष अंतिम भाषण, उनके भाषण से सभा का समारोह होना था, अंतिम भाषण करते हैं और भाषण के अंत में 17 नवंबर 1949 को संविधान के तीसरे वाचन थर्ड रीडिंग के समय माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव रखा था वह प्रस्ताव संविधान सभा में रखते हैं। प्रस्ताव यह था दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। संविधान सभा ने जो संविधान निर्धारित किया है उसको स्वीकृत किया जाए। प्रस्ताव रिपीट करता हूं मैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। कौन रखते हैं यह प्रस्ताव सभा के अंत में? माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, और फिर घोषित करते हैं द मोशन वॉज एडॉप्टेड। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और फिर संविधान सभा डिबेट्स में ही लिखा है प्रोलॉन्ग चीयर्स, दीर्घ हर्ष। सारे ही संसद सदस्यों ने अत्यंत हर्षोल्लास से संविधान स्वीकृति का स्वागत किया। सारे ही सदस्य आनंदित थे, उत्साहित थे, हर्षोल्लास से परिपूर्ण थे और इसके चलते प्रोलॉन्ग चीयर्स हर्षध्वनि के उन्होंने संविधान का स्वागत किया। यदि भारत के संविधान को हम मानव की मुक्ति का प्रलेख मानते हैं, यदि माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत का संविधान माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलोसॉफी का, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल दर्शन का यदि प्रतिरूप है, तो हमें 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान स्वीकृत हुआ संविधान सभा में, उस दिन को अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि यह भारत को प्रजासत्ताक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का दिन है, भारत के लोगों को सार्वभौम लोग घोषित करने का दिन है। भारत के लोग अपने परकीय शासन से तो मुक्त हो ही गए थे, परंतु अपने ही लोगों के शासन से भी मुक्त होकर स्वयं शासित घोषित करने का दिन है और इसीलिए इस दिन को हम लोगों ने हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस प्रकार से हम माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट करते हैं, जिस प्रकार से हम
15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, जिस प्रकार से हम 26 जनवरी सेलेक्ट करते हैं जिस दिन संविधान, उसी प्रकार से संविधान दिन भी हम लोगों ने सेलिब्रेट करना चाहिए, आयोजित करना चाहिए। इसलिए 26 नवंबर 1949 के दिन का स्मरण करते हुए मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मंगल की कामना करता हूँ। और आज अनुरोध करता हूँ कि हम सब लोग संकल्प ले कि हमारे मुक्ति का प्रलेख सुरक्षित रहे, हमारे मुक्ति के प्रलेख में कोई भी अनुचित तत्व, संविधान विरोधी तत्व, किसी प्रकार का परिवर्तन करने का धाड़स साहस न कर सके। इस परिवर्तन की प्रक्रिया यह स्लो पॉइजनिंग है, चल रही है, जिसको हमें रोकना है। उसका संकल्प 26 नवंबर को हम लोगों को करना चाहिए। आइए हम लोग विषय की बात करते हैं। विषय है अंबेडकर बनाम गांधी या भारत में लोकतंत्र की स्थापना का संघर्ष 1942-46 या माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा में प्रवेश के पूर्व की स्थिति। आसान नहीं था संविधान सभा में जाना, आसान नहीं था, आसान नहीं रहने दिया लोगों ने, नहीं चाहते थे कुछ लोग कि माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में जाए। क्या स्थिति थी यह जानना बहुत आवश्यक है। द्वितीय महायुद्ध 1939-1945, द्वितीय महायुद्ध दुनिया का विनाशकारी युद्ध, पहला महायुद्ध 1914-1914 से 1919, द्वितीय महायुद्ध 1939-1945, दो राष्ट्र समूहों में लड़ा गया। भारत भी इस युद्ध में सहभागी था ब्रिटिशों का अंकित होते हुए भी, और भारतीय सेना ने, विशेषतः महार्स बटालियन ने इस युद्ध में बड़ा पराक्रम किया, जिसका इतिहास में जिसका उल्लेख किया गया है। बाबा साहब बड़ी आस्था से महार बटालियन का उल्लेख द्वितीय महायुद्ध में उनके काम का उल्लेख करते हैं। 1939-1945 द्वितीय महायुद्ध, एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रशिया थे, तो दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान थे। इविल एक्सिस कहा गया इसको, और इनको मित्र राष्ट्र कहा गया। वास्तव में यह दो राष्ट्र समूहों के बीच का युद्ध नहीं मानते हैं बाबा साहब, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस युद्ध को इस तरह से देखते हैं कि यह दो फिलॉसफियों के बीच का युद्ध है। एक फिलॉसफी लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी की फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रिक गणराज्य की फिलॉसफी है, तो दूसरी ओर फैसिज्म और नाजीज्म की फिलॉसफी है, जो डेमोक्रेसी का घोर शत्रु है, जो फिलॉसफी डेमोक्रेसी की घोर शत्रु है। डेमोक्रेसी, लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी का प्रतिनिधित्व इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रशिया करते थे, ऐसी माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मान्यता थी। तो फासीवाद, नाजीवाद का प्रतिनिधित्व हिटलर, जर्मनी, इटली और जापान करते थे, ऐसी मान्यता है। नाजीवाद, फासीवाद, यह डेमोक्रेसी के विरोधी फिलॉसफी मानी जाती हैं। उस समय के नेता जिसने द्वितीय महायुद्ध की खाई में दुनिया को लूट दिया, विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, उस द्वितीय महायुद्ध का आरंभ जर्मनी ने किया। जर्मनी में उस समय एडोल्फ हिटलर थे, इटली जर्मनी के साथ जुड़ गया, बेनिटो मुसोलिनी थे, जापान भी जर्मनी और इटली के साथ जुड़ गया, उसके थे मार्शल टोजो, बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर, यह इविल एक्सिस था। ये दूसरी तरफ इंग्लैंड, सर विंस्टन चर्चिल, फ्रांस, जनरल दगॉल,
अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और रशिया मार्शल जोसेफ स्टालिन। यह नेतृत्व था और इन नेतृत्व ने डेमोक्रेसी विरुद्ध फैसिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत भी इस लड़ाई में सहभागिता, इंग्लैंड की ओर से भारत ने लड़ाई में अपना योगदान दिया और इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रशिया इस युद्ध में जीत गए। जर्मनी, इटली और जापान इस युद्ध में हार गए। 1945 में जिस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ उसी साल अमेरिका ने पहली बार एटम बॉम्ब का प्रयोग किया। उसके पहले नहीं हुआ और बाद में भी अभी तक किसी भी देश ने एटम बॉम्ब का प्रयोग नहीं किया। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान में एटम बॉम्ब डाल दिए। जापान ने घुटने टेक दिए और कहा कि हम हार मानते हैं अपनी। उसी समय लेनिनग्राड में रशिया ने जर्मनी को पराजित किया और रशिया इधर से जर्मनी की ओर मार्च करने लग गया। उधर से इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के फौजें आने लग गई और जर्मनी पर कब्जा किया गया। हिटलर ने आत्महत्या की अपनी प्रेमिका के साथ, जिसका नाम इवा ब्राउ था, उसके साथ में हिटलर ने आत्महत्या की और द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी के विभाजन के साथ पूर्व जर्मनी रशिया के कब्जे में था 1987 तक, बाद में वह मेन जर्मनी का हिस्सा हो गया, और पश्चिम जर्मनी पश्चिम के अधीन था, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के अधीन था, और पश्चिम जर्मनी डेमोक्रेटिक था, पूर्व जर्मनी सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट था। बाद में दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। ऐसा था दूसरा महायुद्ध। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में समाप्त हुआ। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1946 के पूर्वार्ध में जून से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की भारत के संबंध में। पहली घोषणा थी कि हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रस्ताव है। दावा किया जाता है इतिहास में कि हमने ब्रिटिशों को मजबूर किया भारत को स्वतंत्र करने के लिए। कदाचित वास्तव यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1946 में ही भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। इतिहास को हम कैसे देखते हैं या जिसकी उसकी दृष्टि है, यदि हम बायस्ड हैं तो बायस दृष्टिकोण से देखेंगे, यदि हम ऑब्जेक्टिव हैं तो ऑब्जेक्टिवली इतिहास को देखा जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। इतिहास से बोध प्राप्त करना हो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत को स्वतंत्रता दे रहे हैं और भारत छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरा प्रस्ताव पारित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना संविधान होता है, स्वतंत्र राष्ट्र के लोग अपना संविधान निर्माण करते हैं, इसीलिए भारत के लोगों ने भारत का संविधान निर्माण करना चाहिए, इसलिए भारत के लोगों के प्रतिनिधियों की हम संविधान सभा भी गठित करेंगे, संविधान सभा का भी निर्माण करेंगे। ऐसा दूसरा प्रस्ताव था। संविधान सभा कैसे निर्माण होगी, संविधान सभा में कौन प्रतिनिधि होंगे, इसका भी विचार उस प्रस्ताव में किया गया है। उस समय शासन प्रशासन की दृष्टि से भारत तीन भागों में विभाजित था। तीन प्रकार से भारत की वर्गवारी की गई थी, क्लासिफिकेशन किया गया था। शासन प्रशासन की दृष्टि भौगोलिक दृष्टि से एक ही था, परंतु एक भाग को कहा गया कि ब्रिटिश शासित भारत, ब्रिटिश इंडिया कहते थे उसको। इसको प्रांत में विभाजित थे, मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत, उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश नहीं कहते, संयुक्त उत्तर प्रदेश कहते थे, सीपी एंड बेरार, इस प्रकार के प्रांत उस समय थे। इसको ब्रिटिश शासित भारत कहा जाता था। और दूसरा भारत था जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, आयुक्तों द्वारा शासित प्रदेश कहते थे उसको, आयुक्तों द्वारा शासित प्रदेश। और तीसरा भारत था जिसको संस्थानिकों का भारत कहा जाता है।
राजे महाराजों का भारत कहा जाता है। उस समय भारत में स्वतंत्रता से पूर्व करीब 653 संस्थान थे ऐसा माना जाता है। एक तृतीयांश भूप्रदेश और एक तृतीयांश जनसंख्या, उस समय भारत की जनसंख्या का 1/3 यह संस्थानों में बसती थी। 1/3 भूप्रदेश भी उनके कब्जे में, वो मांडलिक थे, वो अधीन थे ब्रिटिश शासन के, फिर भी शासन प्रशासन की स्वतंत्रता उन्हें थी। एक करार के अधीन उन्होंने ब्रिटिशों का अधीनत्व स्वीकार किया था, इतना ही, अन्यथा वो अपना राज्य चलाने के लिए स्वतंत्र थे। तो संस्था ब्रिटिश भारत, आयुक्तों द्वारा शासित प्रदेश और संस्थानिकों का भारत, ऐसा था। इन तीनों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की थी। तीनों का प्रतिनिधित्व, तभी तो सारे भारत का प्रतिनिधित्व हो। भारत का संविधान निर्माण करना है तो सारे भारत का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए इन तीनों ही इकाइयों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में आना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था पार्लियामेंट के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और फिर तीनों को प्रतिनिधित्व दिया गया। ब्रिटिश भारत का प्रांतों का प्रतिनिधित्व प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा किया गया। प्रांतों में विधानसभाएं अस्तित्व में आना था। प्रांत में विधानसभा अस्तित्व में आने के बाद विधानसभाएं, विधानमंडल, उस प्रांत को जितना प्रतिनिधित्व दिया गया है वो प्रतिनिधि विधानमंडल से चुनकर संविधान सभा में जाने थे। दूसरा, आयुक्तों के प्रदेश का प्रतिनिधित्व आयुक्तों द्वारा मनोनीत किया जाना था। आयुक्त जिसको कहेंगे वह व्यक्ति संविधान सभा में आयुक्त के द्वारा शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला था। संस्थानिकों का प्रतिनिधित्व संस्थानिकों द्वारा, उस समय नवाब थे, राजा थे, महाराज थे, बड़ौदा संस्थान था, भोपाल संस्थान था, जोधपुर जयपुर संस्थान थे, बीकानेर संस्थान था, इधर महाराष्ट्र में कोल्हापुर सांगली संस्थान था, मैसूर संस्थान था, इन हैदराबाद संस्थान था, कश्मीर संस्थान था, कश्मीर में राजा हरि सिंह थे उस समय, कश्मीर संस्थान था। तो इन सारे प्रदेश संस्थानों का प्रतिनिधित्व संस्थानिक के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि करने वाले थे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधित्व के लिए, प्रांतों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा यह प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था की गई थी, चुने जाने की व्यवस्था। और इसीलिए 1935 हमने चर्चा की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार कानून या भारत सरकार अधिनियम, जिसको ब्रिटिशों ने तैयार की हुई भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसे माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अधिक योगदान दिया था, उसके चलते 1936 में विधानमंडलों का चुनाव हुआ और विधानमंडल अस्तित्व में आए थे। उसमें बाबा साहब और उनके पक्ष की भूमिका, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भूमिका हम बाद में सुनेंगे, बाद में करेंगे उसके बारे में बात, मगर विधानसभा 36 में अस्तित्व में आई थी विधानमंडल, परंतु द्वितीय महायुद्ध के आरंभ के बाद विधानमंडल बर्खास्त किए गए, विधानमंडल निलंबित की। अब फिर से युद्ध समाप्त हो गया, संविधान का निर्माण करना है, संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने, इसलिए फरवरी मार्च 1946 में फिर से विधानमंडलों का चुनाव किया गया और विधानमंडल अस्तित्व में आए प्रांत में मुंबई प्रदेश कहा जाता था उससे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम था, बंगाल प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, बाकी के प्रांत थे और यहाँ पर विधानमंडल अस्तित्व में आए। हम उस समय नागपुर के लोग सुन ले, उस समय नागपुर यह सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का हिस्सा था और उसकी कैपिटल थी। 1960 तक यह मध्य प्रांत वराड का कहलाता था और उसकी कैपिटल नागपुर थी। नागपुर को इसीलिए तो उपराजधानी का दर्जा मिला जब हम महाराष्ट्र में आए तब, इसको इसीलिए तो उसको उपराजधानी कहते हैं नागपुर को। तो प्रांतों से इस परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक आ गए हम, संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतों के विधानमंडल का चुनाव हो गया और संस्थानों के प्रतिनिधि आने थे संविधान सभा में, आयुक्तों के प्रदेशों से भी प्रतिनिधि आने वाले और सारे भारतीयों के प्रतिनिधियों की मिलाकर संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। इस परिप्रेक्ष्य में
गांधी और कांग्रेस ने निर्धार किया। गांधी और कांग्रेस ने निर्धार क्या निर्धार किया? निर्धार ये किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मतलब गांधी और कांग्रेस, चाहे कुछ भी हो जाए, हम माननीय डॉक्टर, वो माननीय नहीं कहते थे उस समय, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित होकर नहीं जाने देंगे। मैं निर्धार दोहराता हूँ गांधी और कांग्रेस का, ये था कि चाहे जो भी हो, कुछ भी करना पड़े, मगर यह आदमी हमें संविधान सभा में नहीं चाहिए। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था उस समय, कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं मगर सुना जरूर हूँ, कहा जाता है कि हमने तो संविधान सभा भवन के दरवाजे खिड़कियाँ तो बंद कर दी, रोशनदान भी बंद कर दिए हैं, जिसके चलते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश असंभव है। निर्धार कर दिया कांग्रेस ने कि नहीं जाने देना है, नहीं जाने देना है, और उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। कारण भी जानना जरूरी है कि ऐसा कांग्रेस से, बाबा गांधी जी की और कांग्रेस से माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या बैर था, क्या दुश्मनी थी, क्या शत्रुत्व था कि सारा भारत चलता था उनको संविधान सभा में, जीना चलते थे, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि चलते थे, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि चलते थे, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चलते थे, जीना के प्रतिनिधि चलते थे, उनको नहीं चलते थे, क्यों, क्या शत्रुत्व था? तो शत्रुत्व भी समझ लेना चाहिए। पहली बात 1930-1932 गोलमेज सम्मेलन का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है, हमने भाषण में देखा है, उसमें अंबेडकर और गांधी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए, और उस सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे? चाहते थे कि अस्पृश्य अल्पसंख्यक है, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व चाहिए, और यह पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए। इसके चलते उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, उसके बारे में हम थोड़ा सा आएगा संदर्भ, मिल गए। गांधी जी को यह अपनी सबसे बड़ी पराजय लगी। गांधी जी और कांग्रेस इस पराजय को कभी भी नहीं भूल पाई। क्यों पराजय लगी गांधी जी को? गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी दी थी, गोलमेज सम्मेलन में ही धमकी दी थी, मैं यदि पद दलितों को यदि स्वतंत्र मतदार संघ दिए जाते हैं तो मैं आमरण अनशन कर भी इसका विरोध करूंगा। धमकी देने के बावजूद गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो अवार्ड दिया, उस अवार्ड में पद दलितों को स्वतंत्र मतदार संघ या पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की घोषणा की। गांधी जी की स्वाक्षरी थी निवेदन पर कि जो भी अवार्ड दिया जाएगा वो हमें मान्य होगा। इसके बाद भी गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया, जिसके संबंध में बोल चुका हूँ, मैं तिथि वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगा। अनशन शुरू किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पक्ष नहीं बनेंगे, हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन करना है तो जाइए पद दलित वर्गों से बातचीत कीजिए, जो भी आपस में समझौता होता है हम उसको मान्य करेंगे। अब पद दलित वर्गों से बात करना मतलब किससे बात करना? बात करना फिर आ गया माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, जिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व को गांधी ने चैलेंज किया, गांधी के प्राण बचाने के लिए उसी माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से बातचीत करने के लिए कांग्रेस और गांधी मजबूर हो गए।
बाबा माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते गांधी को मरना तो था नहीं, उनको तो दीर्घकाल तक जिंदा रहना था, फिर भी आमरण अनशन कर दिया। तो उनको ये आशा थी कि ब्रिटिश मान जाएंगे, मैंने ब्रिटिश मान जाएंगे, हुआ नहीं और आखिर में उन्हें मेरे पास आना पड़ा। ऐसा डॉक्टर गांधी जी के प्राण बचाने हेतु पददलितों के नेतृत्व की से चर्चा आवश्यक हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या भूमिका ली, मैं पार्टी नहीं हूँ, मैंने निर्णय दे दिया है, यदि इस निर्णय को बदलना है तो मैं नहीं बदलूंगा, आपको समझौता करना पड़ेगा पददलित वर्गों से। और माननीय डॉक्टर आम्बेडकर पददलितों के नेता है, इसीलिए मान्यता देने के लिए उसे मान्यता देने के लिए गांधी जी और कांग्रेस मजबूर हो गई। बहुत बड़ी पराजय थी। गांधी दावा करते थे कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मैं भारत के लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं पददलितों का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, आम्बेडकर नहीं करते। यह दावा करने वाले गांधी जी और कांग्रेस को माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर पददलितों के नेता है, इसको मान्यता देनी पड़ी और उनसे समझौते की वार्ता करनी पड़ी। यह भी गांधी और कांग्रेस की बहुत बड़ी पराजय है। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कहते हैं, मानवता के नाते मैंने अपने जाति के हितों को त्याग दिया और गांधी जी के प्राण बचाए, और गांधी जी को जैसा चाहिए था वैसा पुनः करार किया। गांधी और कांग्रेस पुनः करार को कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, बाबा साहब कैसे देखते थे, यह अलग बात है। ये पढ़ लीजिए व्हाट कांग्रेस एंड गांधी और डोंट टू अनटचेबल्स में बाबा साहब ने स्वयं लिखा है कि हम इस करार को कैसे देखते हैं और आगे इसके होने वाले दुष्परिणाम के बारे में समय समय पर बाबा साहब ने बात भी की है। परंतु गांधी और कांग्रेस कैसे देखते थे, पहली बात तो यह कि अस्पृश्य हिंदुओं से जुदा, हिंदुओं से पृथक, सेपरेट फ्रॉम हिंदू सोसाइटी, अल्पसंख्यक है, इसको कांग्रेस को मान्यता देनी पड़ी। कितनी बड़ी हार है, जो गांधी कहते थे कि मेरी प्राण चले जाए परंतु मैं अस्पृश्यों को, पददलितों को, हिंदू समाज से अलग नहीं होने दूंगा, उन्हीं को मान्यता देनी पड़े कि अस्पृश्य पृथक हैं, अस्पृश्य पृथक अल्पसंख्यक है, सेपरेट माइनॉरिटी हैं, पॉलिटिकल माइनॉरिटी हैं, इसके लिए मान्यता देनी पड़ी। दूसरा, माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर पददलितों के नेता है, गांधी नहीं, गांधी भी है ऐसा कह सकते हैं, परंतु माननीय डॉक्टर आम्बेडकर पददलितों के नेता है, इसको गांधी और कांग्रेस को मान्यता देनी पड़ी। दूसरी सबसे लज्जास्पद हार मानी गई है, पददलितों की समस्या धार्मिक और सामाजिक नहीं, पॉलिटिकल है। पददलितों की समस्या धार्मिक और सामाजिक नहीं, पॉलिटिकल है, इसको मान्यता देनी पड़ी। स्वाभाविकतया अल्पसंख्यक हैं, पॉलिटिकल इश्यू है, इसीलिए पददलितों के राजनीतिक संवैधानिक हकों को मान्यता देनी पड़ी। संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान जो पुणे से मिले हैं, पुणे पैक्ट तक मिले, यह पॉलिटिकल राइट्स है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जिसको मान्यता देनी पड़ी। गांधी जी के प्राण बचाने का सारा श्रेय माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी को गया। आज भी दुनिया मानती है कि माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने यदि पुनः करार नहीं किया होता तो गांधी जी को प्राण त्यागने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं था। गांधी जी के प्राण बचाने का सारा श्रेय माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को प्राप्त हुआ। और सबसे गांधी जी के लिए दुखद बात, नैतिकता का उनका दंभ चूर चूर हुआ। क्यों? इसलिए कि जिस निवेदन पर गांधी जी ने भी स्वाक्षरी की थी, उस निवेदन के चलते
अवार्ड दिया गया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और अपने स्वाक्षरी होने के बावजूद भी गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की। नैतिकता का पर्दाफाश हो गया, नैतिकता का दंभ चूर चूर हो गया। गांधी जी जैसे व्यक्ति के लिए यदि गांधी जी को जानना है तो सिर्फ बाबा साहब पढ़कर नहीं जान सकते, गांधी को भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। गांधी जी जैसा अत्यंत अहंकारी व्यक्ति इस पराजय को भूल नहीं पाया, और इसीलिए घोषणा करनी पड़ी कि चाहे जो हो जाए हम माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने देंगे। दूसरा कारण मैंने जिक्र किया है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत को लागू हुआ और उसके चलते विधानमंडलों का चुनाव हुआ 1936 में। चुनाव से पहले माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 15 अगस्त 1936 को एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की जिसको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र मजदूर पक्ष कहा जाता है, मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी, बिना किसी धर्म और जाति का आधार लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस के विरुद्ध असेंबलीज के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अपने पार्टी के साथ खड़े हो गए। फिर से कांग्रेस को चुनौती, और यह बहुत बड़ी चुनौती थी। ध्यान रखिए, मुंबई प्रांत से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, उसमें से 13 सीटें आरक्षित थी और 7 सीटें जनरल थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने सिर्फ आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी चुनाव लड़ा। 13 आरक्षित सीटें मुंबई प्रांत में और 7 जनरल सीटें, उसमें से कांग्रेस को पराजित कर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने आरक्षित 11 आरक्षित स्थानों पर विजय प्राप्त की और 3 सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विजय प्राप्त की। 20 में से 14 स्थानों पर विजय प्राप्त की, 11 आरक्षित और 3 सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से विजय प्राप्त की। सीपीएन बरार जिसका मैंने जिक्र किया, नागपुर जिसकी कैपिटल थी, उसमें माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 15 स्थानों पर चुनाव लड़ा जिसमें से 10 आरक्षित थे और 5 सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। उसमें से 3 आरक्षित सीटों पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए। यह बहुत बड़ी जीत थी। कांग्रेस जैसे इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पक्ष के विरुद्ध गांधी जैसे नेता होते हुए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं के होते हुए भी केवल आरक्षित स्थानों पर नहीं जनरल सीट्स पर भी उम्मीदवार चुनकर आए इंडिपेंडेंट पार्टी के, कांग्रेस के लिए यह बहुत भारी पराजय थी। जिसको भी कांग्रेस भूल नहीं पाई। यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते गांधी और कांग्रेस ने निश्चय किया था, निर्धार किया था कि हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चाहे जो भी हो जाए संविधान सभा में प्रवेश नहीं करने देंगे। बाद में आता है 1942 से 1946 का कालखंड, बड़ी ही राजनीतिक उथल पुथल का यह था। द्वितीय महायुद्ध दुनिया में शुरू था। भारत में भी इस कालावधि में बड़ी ही राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी और बड़ा ही ये उथल पुथल वाला कालखंड था, और इसके भी कुछ परिणाम ऐसे हुए जिसके चलते कांग्रेस और माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में जिसके चलते कांग्रेस को निर्णय करना पड़ा कि हम माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में प्रवेश नहीं करने दें।